नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उद्योग जगत पर कोरोना महामारी के असर को देखते हुए ऐसे सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी का ऐलान किया है। इसमें से 50,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए होंगे। अन्य क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े राहत पैकेज में मेडिकल सेक्टर को लोन गारंटी दी जाएगी। इसके तहत 100 करोड़ तक का लोन 7.95% ब्याज पर दिया जाएगा। इंडस्ट्री की मदद के लिए वित्त मंत्री ने सोमवार को कुल 8 राहत उपायों की घोषणा की। अब आपको हम एक एक करके ये बताते हैं कि वो कौन कौन सी घोषणाएं हैं जो वित्त मंत्री ने की हैं। हालांकि पहले भी कुछ घोषणाएं हुई थी, उसके बारे में हमें याद इसलिए नहीं है क्योंकि कितना वो फलीभूत हो पाया है इसको बताने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। तो आपको हम एक एक करके बताते हैं कि क्या घोषणाएं हुई हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम हेल्थ सेक्टर की, क्योंकि अभी हम कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं। तो हेल्थ सेक्टर के लिए 100 करोड़ का अधिकतम लोन दिया जाएगा, जिस पर अधिकतम ब्याज की दर 7.95% होगी। दूसरे सेक्टर्स के लिए अधिकतम ब्याज दर 8.25% रखा गया है। इसके बाद आता है क्रेडिट गारंटी योजना। नई क्रेडिट गारंटी योजना का ऐलान किया गया है। इसमें 25 लाख लोगों को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के जरिए फायदा मिलेगा। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ जारी किया गया है। यह योजना मई 2020 में आत्मनिर्भर पैकेज, आपको याद होगा, उसके तहत लाई गई थी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 30 जून 2021 की आखिरी तारीख से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 तक कर दिया गया है। टूरिज्म सेक्टर में रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड को 1 लाख तक और मान्यता प्राप्त ट्रैवल और टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स को 10 लाख तक का 100% गारंटेड लोन मिलेगा। 5 लाख टूरिस्ट को फ्री टूरिस्ट वीजा का ऐलान किया गया है। जब से विदेशी पर्यटकों को वीजा मिलना शुरू होगा, तब से पहले 5 लाख टूरिस्ट को भारत आने के लिए फ्री वीजा मिलेगा। यह योजना 31 मार्च 2022 तक ही लागू रहेगी, यानी कि आगामी आने वाले 22 के 31 मार्च तक यह लागू रहेगा। इस अवधि में एक टूरिस्ट को केवल एक बार ही यह सुविधा मिलेगी। विदेशी पर्यटकों के आने से इस सेक्टर को अच्छी गति मिल सकती है, ऐसा मंत्री जी ने कहा है। साथ ही सर्विस सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इन योजनाओं को सुनने के बाद हम आपसे फिर से यही कहना चाहेंगे कि आपको याद हो कि जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी, उस समय से लेकर अभी तक न जाने कितने ही आत्मनिर्भर पैकेजों का ऐलान किया गया, 10 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका क्या हाल है ये तो ना आप बता सकते हैं ना हम जैसे सोशल मीडिया वाले पत्रकार। बाकी फिर से 1.1 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा की गई है, ये कितना फलीभूत हो पाता है ये भी देखने लायक होगा। लेकिन तब तक इस खबर में कोई नई अपडेट अगर आती है तो उसको लेकर के आपके सामने हम आते रहेंगे। तब तक मुझे दें इजाजत और देखते रहें न्यूज़ पीआर। इस चैनल को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर लें।